रात को पता नहीं कब नींद लग गई, बच्चे बर्गर खाते खाते इधर की बात वो बात ये बात, ऐसा मम्मी वैसा मम्मी, इतना ट्रैफिक था। फिर मैंने भी उनको बताया कि मुझे ट्रेन में गई तो कितने टाइम के बाद अच्छा लगा, और इतनी रश थी, इतनी गर्दी थी, फिर मैंने पहले ट्रेन छोड़ दी। फिर वहाँ जाने के बाद माशाल्लाह वहाँ पे सब पढ़ाई हुई, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और फिर मैंने वहीं पे नमाज पढ़ी, सब लोग सब बहुत सारे जन मिले, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ घर में रहती हूँ, ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं करती हूँ काम के सिवा। तो वहाँ पे सब ऐसे ही मिले, टाइम पास हुआ, कोई इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, कोई ये बात कर रहे थे, कोई ऐसी जनरली बात कर रहे थे। कि कल मुझे फिर से एक जन ने गणपति को 28 तारीख की दावत दी, तो ऐसे अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, तो वही बच्चों से भी बता रही थी, और ये सब बातें करते करते कब बात ख़त्म हुई और मेरी आँख लग गई। और सुबह भी फिर जल्दी उठना पड़ता रहता है मुझे, 4-4:30 बजे तब उठी, उसके बाद फिर सो जाती हूँ 6-6:15 बजे, फिर अब उठती हूँ। और अभी ऐसा हो गया 2-3 दिन से थोड़ा नीचे उतरती वॉक के लिए हो या थोड़ा सा ऐसे ही माइंड फ्रेश करने, और आज तो ऐसा हुआ कि अभी दूध नहीं था तो मैंने बोला चलो थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ सुबह आज मैं, थोड़े दूध लेकर आती। तो अभी तो सुबह के बजे हैं 8, और मैं बोली थोड़ा सा एक दो राउंड मारूँ और उसके बाद मस्त दूध लेती हूँ और जाती हूँ और चाय वाय बनाती हूँ। बस कल का जो एक्सपीरियंस था यही था, बस वो एक छोटा बच्चा था जो इतनी छोटी उम्र में वो काम करता है, तो उसने एक उम्मीद लगाई मुझसे कि आप मेरे चैनल का प्रमोट कर देंगे मैम, क्या बोला उसने, आंटी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं। ऐसे ही सब छोटी जो ऐसी भी चीज़ें हैं वो गुजरा है कल का दिन। बस ये था कि एंड में मैं अपने दिल की बात कुछ ना कुछ आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो कल दिल की बात यही थी कि अगर कुछ भी सिचुएशन हो, किसी के लिए भी अपनी ज़िंदगी को किसी से तोड़ना नहीं। जैसे मैंने सोशल मीडिया की कुछ बातें लेकर बहुत सारी अपनी दोस्तों को हो या अपने रिश्तेदारों को हो या जो मेरे अच्छा सोचते या बुरा सोचते जो, लेकिन मिलना जुलना तो होता है, तो उनसे सबसे दूरियां बनाकर अकेले रहती हूँ, ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ। तो बस ये अपने एक्सपीरियंस से यही बताऊँगी कि दुनिया में कुछ भी हो जाए पर अपने लोगों से भले नाराज़ हो तो जाके मना लेना, और अगर हो सके उतनी कोशिश करना कि उसमें कोई खलल ना पड़े, पर हमेशा जो आपके वेल विशेस है उनके साथ टच ज़रूर रखना, उनके साथ कनेक्ट ज़रूर रहना। जैसे मैंने गलती करी ना वो गलती कभी मत करना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। अब आज का दिन शुरू हो गया तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं जैसा भी रहेगा। पिछला ब्लॉग ख़त्म करके मैंने बताया कि दूध लेने जाना है, तो दूध लेने आई तो यहाँ पे ये अमीन की या अली की, और यहाँ पे मेरी ये गाड़ी खड़ी रहती है, यहाँ पे कार खड़ी रहती है और दूसरी वहाँ बाहर रहती है। तो जैसे ये निकालने के लिए आई, एथर निकालने के लिए आई, तो ये आया है अली की गाड़ी, और अली की गाड़ी से सुबह सुबह क्या हुआ देख, कोचक लग के कपड़ा फट गया। अब इसको क्या समझूँ मैं, बताइए, कोई बला टली या पता नहीं क्या, वक्त ख़राब चल रहा है या पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बाइक निकाली, आपको दिखाई मेरी कमीज़ भी फट गई, और जैसे स्टार्ट की तो पता चला इसमें चार्जिंग ही नहीं है। रात को बच्चों ने चार्जिंग लगाई, बटन शायद स्टार्ट करना भूल गए, और एकदम ज़ीरो चार्जिंग है, तो अब मैं इसको लेके भी नहीं निकल सकती हूँ। तो फिर मैंने अब इसको लगाई चार्जिंग पे और अब थोड़ा देर वेट करती हूँ। सुबह सुबह गड़बड़ घोटाला, बाइक में चार्जिंग ही नहीं हुई है, अब थोड़ा आधा घंटा कम से कम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके दूध ला सकूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ऊपर नहीं जाऊँ, सुबह सुबह अभी बच्चे भी सोए हैं, बाई भी लेट आती है, अब मैं घर पे जाके क्या करूँ। तो मैं बोल रही यहीं पे बैठती हूँ और थोड़े कुछ बस इंस्टाग्राम यूज़ करो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नाच गाना सब दिखे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखती है, कुकिंग की चीज़ें दिखती है, बहुत सारे वजीफे दिखते हैं, बहुत सारी तस्वीरें दिखती है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है पता भी नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है कि हमको पता नहीं होती, तो वो देख के अच्छा लगता है कि चलो इसको सीख लेते। तो बस अभी क्या है, अभी यूज़ तो करूँगी फ़ोन, और ऐसे ही कुछ चीज़ें नई नई दिखे तो सीखेंगे, नहीं तो टाइम पास तो करना है आधा घंटा। ले लिया दूध और नाश्ता तो कुछ नहीं ली, नाश्ता देखती हूँ घर पे कुछ बनाती हूँ, लिफ्ट भी आ गई तो जाती हूँ, पहले चाय बनाती हूँ, कुछ चाय की तलब लग रही है, मेरे चेहरे से दिख रहा होगा आपको। मैं अभी फ़ोन लाने के लिए अंदर गई तो उसको खुशबू आ गई, छलांग लगा लगा के मेरे पीछे पीछे, देखो देखो है ना, उसको खुशबू आ गई है उसके नाश्ते की,
ये निकाली हूँ पीनू के लिए नाश्ता, और ये बना रही हूँ अमीन के लिए, और यहाँ पे रखी हूँ मेरे लिए चाय। और रात को अली को पता नहीं था कि मैं वहाँ पे जुलिया पकी यहीं खाना खा के आने वाली, तो अली कहीं पे कुछ खाने गया था, उसको बहुत अच्छा लगा तो वो मेरे लिए लेकर आया पार्सल। तो मेरे को बोला मम्मी टेस्ट करे आप, मैंने बोला नहीं, तो बोले टेस्ट करो ना बहुत मस्त है, मैं कड़क पाव लेके आता, तो वो गया है कड़क पाव लाने। उसी के साथ में मैं अपने लगाई हूँ यहाँ पे मशीन, मतलब किचन का काम ऑलमोस्ट चालू हो गया। दोपहर के लिए निकाली हूँ चिकन, तो अभी बस यहाँ पे ये सब तैयारी करके नाश्ता बनाती हूँ, कपड़े धोने लगाती हूँ, और सबसे पहले तो यार मेरे बच्चों को देती हूँ नाश्ता। ले अल्लाहू अकबर, खाओ। वो सालन है जो अली लेकर आया था रात में, देखकर तो मुझे डर लग रहा तीखा है, तो बोलता जरा भी तीखा नहीं है मम्मी, टेस्ट करो, चलो मैं कड़क पाव लेकर आता हूँ। और आज वो भी मेरे साथ बैठा है ताकि मैं खाऊं और टेस्ट करूं, नहीं तो मैं खाती नहीं हूँ ना, तो मेरे अच्छा चल तू बैठा तो मैं भी खाती हूँ। और ये बनाया मैंने अमीन के लिए व्हाइट वाला, ऐसा पोहा बनाते हैं व्हाइट पोहा, मस्त कैसा है, मस्त है, कैसा है भाई, मस्त एकदम। बहुत अच्छा है ना। और ये रही मेरी चाय और ये रही मेरी प्लेट, दोनों प्लेट में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूंगी बेटे लोग के साथ। और आज तो ऐसा लग रहा है कि दोपहर का दस्तरखान लगा है, वैसे दस्तरखान बच्चे रहते तभी लगता है, बहुत कम लगता है, तो आज ऐसा लग रहा है कि दोपहर में ही या फिर रात का ही दस्तरखान लग चुका है, हालांकि सुबह है अभी। तो अभी जस्ट पूरे घर का काम हुआ है फिनिश, सर्वेंट मेरी गई और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कुछ नहीं पकाई हूँ अभी तक, जैसे ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हुआ था तो इसीलिए अभी तक तो कुछ बना ही नहीं हूँ। और ये है दही बड़े जो सुनीता ताई ने दिए थे, आपको बताई थी मैं कि जब मैं गणपति में गई थी तो उन्होंने फटाफट बना के पैक करके दिए थे और बोले थे ठंडे करके खाना, तो उस दिन भी खाए और आज मुझे भूख लग रही थी, ये बचे हुए तो मैं अभी इसको खाती हूँ। और इसके बाद में मुझे जाना है थोड़ा बाज़ार, थोड़ा घर का सामान, और बताऊंगी मैं क्या लेने जा रही हूँ खास, और आज घर में भी मेरे कुछ स्पेशल चीज़ होने वाली है तो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। मैंने खाना स्टार्ट की और उसमें आ गई एक मिर्ची, तो इसको तो हटाऊंगी, पर इसके लिए नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए चालू करी वीडियो। नहीं अब ये मेरा कितना मासूम बच्चा है, चिकन की खुशबू आती है तो चलो मैं चिकन धो के खिला देती हूँ उसको, बट ये क्या खिलाऊँ, ये तो खाएगी नहीं कुछ भी, तो भी बस मम्मा के पास बैठना है और देखना है कि मम्मा क्या खा रहे है ना। क्या है देखो, लो देखो, लंच के मतलब आज मैंने खाई हूँ दही बड़े और उसके बाद कुछ नहीं खाई हूँ। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मेरे घर में कुछ स्पेशल चीज है और उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें मुझे लेने नीचे जाना है, तो यही सब चीजों को करने के लिए जस्ट अभी मैं उतरी हूँ नीचे, और असर के पहले मुझे घर आना है क्योंकि मैंने नियत करी हूँ कि इंशाल्लाह जिंदगी रही जब तक कोशिश करूँगी कि मेरी असर की नमाज कभी छूटे नहीं। और बाकी ये नारियल टूटा है, इतना छोटा सा नारियल है पर उसमें भी पानी निकला है बताओ। और हमारा बेटे यहाँ वहाँ गाड़ी लेके घूम रहे क्योंकि उनको कुछ काम नहीं था, जाती मैं तो गाड़ी लेके जा सकती थी क्योंकि सामान मुझे सब लेना है, लेकिन मैंने बोला चलो भाई आप रहोगे तो थोड़ी कंपनी रहती है मेरी, हाँ और मेरी कंपनी भी रहती है और मुझे यही कंपनी अच्छी लगती है, ज़्यादा मैं कंपनी ढूंढने का मुझे शौक भी नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे घर की जो मेरे आदमी हो या मेरे बच्चे हो या फैमिली हो वही कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप जो जो रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं इंशाल्लाह, जैसे मैं कल जूली आपा के यहाँ गई थी, आप देखते होंगे मैं किसी के लेने देने में नहीं रहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती जो मेरा दिल चाहता है, जैसे इस्लामिक चीज़ें कुछ चीज़ों का ऐसी महफिल होती है ना तो मेरा दिल ज़रूर चाहता है, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ। यहाँ से निकलो, ये तो मेरे घर के आसपास का एरिया है, और ये देखो गणपति के सब है और पंडालों के गेट, उसी से सारा रोड सजा हुआ है, और इसी के साथ साथ हमारे ईद मिलाद भी आने वाली है, तो अभी आगे आगे जाएंगे तो वो भी सजावट दिखेगी आपको, है ना, फिर अपनी औकात पे आ जाने का ना ये। ये देखो कल मेरे को ऐसे पुल बना लगाने का था, परसों था ऐसे पुल बना के नहीं भेजी, ऐसे गजरे भेजे, और आज बोलती कल मैं फूल बना के बोली रेशमा को फोन कर, खाला अम्मी को तेरे फोन नहीं करी, अभी लगाती है तो क्या कुछ मीरा रोड, वो मीरा रोड न्याज में गई थी ना, हाँ तू कल बनाई ली है, ये लगाती चल बस, अब ये थोड़े से देखो क्या खुशबू आती ना फूलों में, अच्छे लग रहे ना थोड़े से फूल, उसके हाथ से कटाती थी ना तो दुनिया भर के काटती, थोड़े से मैंने काट के अपने हाथ से लगाई, और ये 7 नंबर है,
मैं कभी भूलती नहीं हूँ ये जगह को और यहाँ के लोगों को। और आई हूँ क्या चीज लेने के लिए बता दू? ये सब सामान लेने आई थी, बताई ना मुझे क्या लेने जा रही हूँ। ये सामान लेने आई थी, अब ये लेने के बाद कुछ और लूंगी और वो सब चीजें कब कब कहाँ कहाँ यूज होगी बताती। आ गए सोसाइटी में, मेरे भी दोनों हाथ भरे हुए, उधर आगे सामान भरा हुआ है और बच्चा मेरा सब एडजस्ट करके गाड़ी चला रहा है। माशाल्लाह अभी मगरिब बाद तो बहुत अच्छा सारा प्रोग्राम रखे, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है जितना करो उतना कम है। और हम बहुत खुश नसीब है, हो जाता है बोलने बोलने में कभी कभी जबान थोड़ी पिसल जाती है, कि हम हमारे हुजूर के उम्मती है। बारिश कितनी जोर से चालू हो गई, हमेशा असर के बाद चाय होती है, आज मगरिब बाद चाय। अभी बैठी हूँ लेके चाय और नान कटाई, और जैसे ये आपको गालीचा देख के समझ में आ गया होगा कि माशाल्लाह मैं जो बोल रही थी शाम को स्पेशल चीज़ें होगी, स्पेशल महीना चल रहा है, तो इंशाल्लाह मैं अभी जो ग्यारहवीं अपना छुट्टी के दिन हत्या कराई थी और मेरे गरीब नवाज के नाम पे लंगर करवाई थी ये घर में, तो आज ये मिलाद का महीना चल रहा है, तो आज बुजुर्ग के नाम पर बड़े पीर सरकार के नाम पर जो भी पढ़ाई होगी आज इंशाल्लाह वो होगी। और इसके आगे सोची हूँ अगर अल्लाह हयाती दे और इतना मेरी हैसियत रहे तो ज़रूर करूँगी, पैसे से नहीं, पैसे से किसी की हैसियत नहीं। ये लोगों का सोच है कि पैसे की हैसियत, पैसा लाखों करोड़ रुपया रह के भी सरकार के दामन तक जा नहीं पाते, तो फिर पैसे की क्या अहमियत है? कुछ अहमियत नहीं है पैसे की, उनका हुक्म होना चाहिए बस। तो इंशाल्लाह अभी ये तो सब करी हो और अभी आने का टाइम हुआ और बरसात देखो अल्लाह रहम करे। माशाल्लाह पढ़ाई शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है घर। जो को मैं देता हूँ अच्छा गरम गरम चाय थर्मस में, बुला नहीं सकती मेहमानों के लिए। ये भी घड़ी करके डाल दे अंदर ये गालीचा। माशाल्लाह सब अच्छे से हो गया, सब मेहमान चले गए, हमारा भी नाश्ता हो गया, ये मेरी बहन के घर के लिए नाश्ता पैक हो गया। देखो ये भी घड़ी करके अंदर पैक करके रख दे इसको भी। चलो चाय बनाई थी जो सब मेहमानों के लिए, तो मेरे लिए भी बनाई थी पर पी नहीं थी मैं, तो ये मैं पढ़ रही थी तस्बीह, तभी भी तस्बीह पढ़ रही थी और अभी भी थोड़ी सी तस्बीह पढ़ के मेरी चाय पी लूँ और सो जाऊँ क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। चाय पीने के लिए यहाँ पे थर्मस रखी और यहाँ पे रखी थी कप, और जैसे ही मैं बोली उठ के थोड़ा सा मैं पंखा बंद करूँ और ये मेरे हाथ से मतलब ये थर्मस उठाते उठाते गिर गया कप और
कप के हो गए 1000 टुकड़े। और इसी के साथ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बला थी जो मेरे घर पर हो या मेरे ऊपर हो या मेरे पूरी फैमिली के ऊपर, तो इंशाल्लाह इस टुकड़ों के साथ, 1000 टुकड़ों के साथ 1000 बलाएं मेरे घर से चली गई इंशाल्लाह। और बस इसी के साथ आज का सारा प्रोग्राम, दिन भर का जो भी रहा, ख़त्म हुआ। बस ये नीयत थी कि थोड़ी चाय पी लूँ और जाके चेंज करूँ और फिर सो जाऊँ, क्योंकि फिर अगर लेट सोती हूँ ना तो बहुत मुश्किल होती है सुबह उठने में। और मैं आपको बताऊँ, इन दिनों जब भी मेरे पर कोई मुसीबत आती है ना, तो मैं अल्लाह के पास 2 कदम ज़्यादा पहुँच जाती हूँ। तो जज़ाक अल्लाह, हो सकता है कि अल्लाह पाक ये मुसीबतें इसीलिए भेजते होंगे ताकि मैं अल्लाह के 2 कदम ज़्यादा नज़दीक जा सकूँ। और कहते हैं ना, दुनिया में है तो मुसीबतें हो या फिर सुख हो या दुख हो, हर चीज़ का मज़ा चखना रहता है। तो बस कोई बात नहीं, जब अल्लाह मुसीबत देते हैं ना तो उसका रास्ता भी अल्लाह पाक ही निकालते हैं। और फिलहाल तो घर में बच्चे अब गए नीचे, जैसे आप देखे सारा प्रोग्राम था, तो सारी चीज़ों से फ्री होके बच्चे गए नीचे। और मैं और मेरी बेटी, ये देखिए मेरी बेटी, मैं जहाँ रहूँगी मेरी बेटी वहाँ रहेगी। देखो उसको भी नींद आ रही थी, देखा ना आपने, उसको भी नींद आ रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सब चीज़ें हुई हुजूर पाक के महीने में। जो मैं सोची हूँ अल्लाह पाक वो चीज़, वो खिदमत मुझसे ले रहे, और हमेशा ज़िंदगी भर जब तक मैं रहूँ अल्लाह मुझसे ये खिदमत लेते रहे। और अल्लाह मेरी इतनी हैसियत बना के रखे कि मैं फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी से ही किसी न किसी की मदद कर सकूँ। और यतीम, जो यतीम खाने के बच्चे हैं, उनकी तो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ, और जितनी भी मेरी हैसियत होती है मैं करती ज़रूर हूँ। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे जाने के बाद यही चीज़ मेरे बच्चे करते रहे। और माशाल्लाह बस जो भी है, आप लोगों के साथ तो दिन भर बातें करी हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कल का दिन भी अच्छा गुजरे। जैसे आपने ये ब्लॉग में देखे हैं कि मैं काफ़ी सारे सामान लाई हूँ घर सजाने के लिए और कुछ चीज़ें करने के लिए, तो अल्लाह पाक वो मुझसे करवाए, वो खिदमत मुझसे ले और वो चीज़ें मेरे हाथों से हो, ये अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहती हूँ। आप ज़रूर आमीन बोलना। और बस बाकी तो इंसान हूँ, पता नहीं कौन सी गलती कब कर बैठूँ। जानबूझ के इंसान गलती करना नहीं चाहता, पर इंसान में अल्लाह ने बहुत सारी मिट्टियाँ डाली है, कब उससे क्या गलती हो जाए पता नहीं। तो हर वक्त अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते रहती हूँ अल्लाह पाक से, क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो दुनिया में कोई चीज़ क्या अल्लाह के बिना होए। क्या पता हमसे कौन सी ऐसी खता है जो हम पर कोई मुसीबतें आती है या हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ होती है, तो अल्लाह की कुछ चीज़ें होती है जो अल्लाह पाक हमें दिखाते हैं कि हम कुछ गलतियाँ करते हैं। हम इंसान हैं यार, हमें क्या पता कि हम, इंसान तो ये मकरूर करता है कि हमसे कोई गलती होती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ इंसानों से ही होती है। और बाकी इंशाल्लाह बस दुआ करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ आप सबके हक में हमेशा दुआ करती हूँ। और यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी जब भी अल्लाह के पास हाथ फैलाए तो हर किसी के हक में दुआ कीजिए, अल्लाह ज़रूर सुनता है, और किसी दूसरे की दुआ तो ज़रूर सुनते हैं। तो हमें हर किसी के हक में हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। और बस बहुत अच्छा दिन बीता है, बस दुआ करना कि हर किसी मोमिन का दिन ऐसे ही बीते। मुसीबतें तो आती और जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये अल्लाह पाक बहुत किस्मत वालों से खिदमत लेते हैं। तो बस उस किस्मत वालों में अल्लाह ने मुझे भी रखा है, जजाक अल्लाह। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपसे भी कोई ना कोई खिदमत ले और अल्लाह के पास 2 कदम आने की तौफीक अता फरमाए। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और कहा सुना माफ़ करना।